बुरकान, प्लीज ध्यान रखना इसका, 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना, ठीक है? मैं बस अभी किचन से होकर आ रही हूँ। दीदी जी फिक्र ना करें, मैं अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करूंगा इसकी। इस टाइम कौन आ गया? हाँ ध्यान से, मैं ही देखाती हूँ। मैं देखता हूँ दीदी जी। अरे नहीं नहीं अदनान होंगे, अपनी वो चीज भूल गए होंगे, मैं पता करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाजी, मैं जमान, आपने पहचाना मुझको? जमान भाई, यहाँ कैसे? अदनान भाई से मुलाकात हो सकती है? अच्छा, कोई काम है तो बता दें। हम उनको मिलकर बताएगा, बहुत जरूरी काम है। ऐसा भी क्या काम है, मुझे बता दें, मैं बता दूंगी अदनान को। हम अदनान साहब को बताएगा, हम बहुत दूर से आया बाजी, हम उनसे मिलकर जाएगा, खुदा के वास्ते हमारी उनसे मुलाकात करवा दे। अच्छा जरूरी काम है, आ जाए, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको, अदनान घर पर नहीं है। हाँ हाँ बाजी, हम शाम तक इंतजार करेगा, कोई मसला नहीं। आ जाए। भाई ने इतनी जल्दी मचाई, फेशियल भी नहीं करवा सकी सही से मैं। मेरीन बेटा, अब यह घर पे अकेली है, कोई नहीं है उसके साथ, ऊपर से उसका फोन मुसलसल एंगेज जा रहा है। अदनान, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा, बरकान है ना घर पे, कोई काम होगा तो उसे बुला लेगी। परेशान होने वाली कौन सी बात है, अपने रिश्तेदारों के साथ फोन पे बात कर रही होगी, पहले भी करती थी। रिश्तेदार हैं कौन से उसके, एक उसकी फुफो है, एक फुफो का बेटा विकी, और कौन है उसका? हाँ तो वो विकी है ना, विकी से बात कर रही होगी, ये जब जर्मनी में था भी तब भी घंटों बात करती थी। कोई नहीं अम्मा जान, भाभी कोई विकी से बात नहीं करती थी। अच्छा तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है, बीच में बोल पड़ती हो। याद रखे उस घर में मैं हरगिज रिश्ता नहीं होने दूंगी। आप भी बैठ जाए। सही बाबा बैठ। कुछ चाहिए आपको, कोई पानी चाय? सब कुछ ठीक चल रहा है ना बेटा घर में, कोई परेशानी तो नहीं लग रही है? जी सब ठीक है, लेकिन आप कौन? सखी बाबा हमारे गांव का नेक और बुजुर्ग आदमी है, हम इधर कराची में खास आप लोगों से मिलने आया है। इससे भी क्या बात है जमान भाई कि आप लोग इतनी दूर से यहाँ अदनान से मिलने आए हैं? आप लोगों की जान को खतरा है, जिसको आप अपना बच्चा समझ रहे हैं वो असल में जिन की औलाद है। उठिए यहां से, उठे यहां से और निकले मेरे घर से, उठे। भाजी कहा मैंने निकले, दबा यहां से। रुक जाओ जमान, ये लड़की अब उसके कब्जे में, ये अब हमारी बात नहीं सुनेगी। मुझे क्या लगता है तू मुझे जेर कर लेगा, तेरा दाव या नहीं चलेगा बुड्ढे। हाँ
इस बच्ची का पीछा, मैं तुझे आखिरी दफा समझा रहा हूं। झूठ बोल रहा साहब, ये आपका बीवी नहीं है, जिन है, जिन जिन है ये। अदनान भाई, आप तो मुझे पहचानते हो ना, मैं जमान, ये सखी बाबा सच बोलता है। गेट आउट, निकलो यहां से, वरना पुलिस को बुलाने में एक मिनट नहीं लगाऊंगा मैं। क्या हुआ अदनान, क्या हुआ भाई? ये जबरदस्ती अंदर आ गए, मैं कह रहा हूं निकलो। अदनान भाई, आप मेरी बात, मैं कह रहा हूं निकलो। फारिस भैया, फारिस कहाँ है? फारिस कहाँ है अबिया? फारिस कहाँ पर है? बरकान, बरकान, अबिया, अबिया, मेरी पानी ला, अबिया, अबिया, अम्मा देखे ना अबिया को क्या हो गया? बरकान लगता है बेहोश हो गई। बरकान साहब जी, साहब जी कहाँ थे तुम? बरकान, फारिस कहाँ पर है? साहब जी, मैं फारिस बाबा के पास था, उसका दूध बना रहा था। आप लोग कब आए भैया? क्या हुआ है? कुछ हुआ है? भैया तुम बेहोश हो गई थी जब वो दोनों आए थे। दोनों? वही वो जमान और उसके साथ वो बुड्ढा। हाँ, वो इतनी दूर से आप आपसे मिलने आए थे, कोई जरूरी बात करनी थी। चलो, मैं बिठाया था, मैं मिले। तुम ठीक हो?